रघुवर दास ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे सरकार, इतिहास और नागरिक शास्त्र के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि सरकार राजनीतिक लड़ाई में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। पत्र में उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने राज्य में स्थायी नौजवानों को नौकरी में प्राथमिकता देने के मकसद से हाई स्कूल टीचर के 17,572 पदों पर वर्ष 2016 में बहाली निकाली, 2018 में परीक्षा फल आया और 2019 में नियुक्तियां शुरू हुई। लगभग 90% पदों पर बहाली हो गई। केवल इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के 626 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी थी। इनकी नियुक्ति की अनुशंसा भी हो गई, केवल नियुक्ति पत्र दिया जाना था, पर शिक्षा विभाग ने 18 फरवरी को इनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। जबकि 11 गैर अनुसूचित जिलों में से देवघर में नियुक्ति की जा चुकी है। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित जिले तथा 11 गैर अनुसूचित जिलों में हुई बहाली को सही ठहराया। इसके बाद इतिहास तथा नागरिक शास्त्र के सफल अभ्यर्थियों के साथ बाकी नियुक्तियां का भी रास्ता साफ हो गया, लेकिन अब भी इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष घोषित है, पर आधे से ज्यादा साल बीत गया, अभी तक सरकार नई नियमावली नहीं बना पाई है। पारा शिक्षकों के मामले में तो नियमावली, वेतनमान, कल्याण कोष के गठन समेत अन्य चीजों का पूर्व की सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, अब केवल जरूरत है उसे कैबिनेट में लाकर पारित करने की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर इन्हें रोजगार दें, और जिन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं वैसे नौजवानों को रोजगार भत्ता दें।